इस मनी वाली कहावत आप सबने सुन रखी होगी एंड मानते भी होंगे कि हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका USP यही रहने वाला है कि ये ट्राई सिटी के 3 मेजर हाईवेज के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो मतलब आपको कहीं के लिए भी जाना हो, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाएगा आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जो आपका 2-3 मिनट्स की ड्राइव पे रहेगा। सेकंड आ जाएगा आपका पटियाला चंडीगढ़ हाईवे, जो अगेन आपका 2-3 मिनट्स की ड्राइव पे रहेगा। थर्ड आ जाएगा आपका दिल्ली अम्बाला हाईवे, जो अगेन आपका हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पे रहने वाला है। मतलब अगर आपको ट्राई सिटी में मूव करना है तब भी आप इजीली कर सकते हैं, अदर स्टेट्स के लिए जाना है तब भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी की बात मैंने आपको बता दी, अब आप कुछ ग्लिम्प्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम डिटेल पे बात करते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी वीडियो मैं पहले भी आपके लिए बना चुकी हूँ, बाय द नेम ऑर्किड लैंड प्लानर्स, जो कि पार्ट है HLP पामेलास का, विच इज़ अ कम्प्लीट 28 एकर्स टाउनशिप। जब हमने पहले इसका वीडियो बनाया था तो ये जो था वो 3 फेजेस में स्प्रेड था, अब इसके 2 फेजेस जो हैं वो और एड ऑन हो चुके हैं। तो पहले मैंने आपको अमेनिटीज़ बताई थी, जैसे आपका क्लब हाउस हो गया, 18 पार्क्स हो गए। तो अब जो इसकी अमेनिटीज़ हैं वो आपको मिल रही हैं, यहाँ पे 3 क्लब हाउस एंड 23 आपके पार्क्स रहने वाले हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कम्प्लीट गेटेड टाउनशिप है आपके, जिसमें कमर्शियल भी आपका इन हाउस ही रहने वाला है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिटी जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वो आपका कमर्शियल हो गया, चाहे आपके रेजिडेंशियल चीज़ें होगी, क्लब हाउस हो गया, आपका पार्क्स हो गए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। एंड अगर बात करेंगे लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की, तो ये लोकेटेड है आपका जीरकपुर में। कनेक्टिविटी के बारे में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि 3 मेजर हाईवेज रहेंगे आपके, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। तो यहाँ से बिल्कुल सामने है आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जिसकी कनेक्टिविटी आपकी अपकमिंग रहेगी। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे ये कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी ना, जो प्रोजेक्ट के रेट्स हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा हाइक कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी आपको बहुत ईजी मिल जाएगी यहाँ से। एंड सेकेंड की बात करूँगी जो है आपका पटियाला चंडीगढ़ हाईवे, तो वो भी आपका यहाँ से हार्डली 2-3 मिनट्स दूर रहने वाला है। अगेन अगर मैं बात करूँ आपके अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे की, वो आपके 5 मिनट की ड्राइव पे रहने वाला है। एंड जो गाइज ये जो एरिया है आपका, ये भी आपका काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कमर्शियल भी हैं। अगर मैं नियर बाई की बात करूँगी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ईजिली मिल जाएंगी। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि S+4 का कंसेप्ट है, तो उसमें जो आपका टॉप फ्लोर रहने वाला है गाइज, उसको मिलने वाली है एक खास फैसिलिटी, जिसमें आपका होगा गजीबो आपके रूफ टॉप के ऊपर, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका बारबेक्यू की फैसिलिटी, तो जो आपके टॉप फ्लोर के लिए रहने वाली है, जिसमें आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। ये टेरेस पूरा आप ही का होगा। सो गाइज ये तो थी बाहर की बातें, अब आपको सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं, प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो आज का जो हमारा ये 3 BHK है, इट कम्स इन द साइज ऑफ 150 स्क्वायर यार्ड, कंप्लीट आपके 120 यूनिट्स रहने वाले हैं। तो अगर आप भी कोई 3 BHK अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी सी लोकेशन पर जहाँ पर आपको चीज़ें ईजिली प्रोवाइड हो जाए, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिले, तो जल्दी जल्दी इस डील को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम यूनिट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ कम्प्लीट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। तो अगर आप भी कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हरी अप, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, कॉल कर लीजिए वीडियो खत्म होने से पहले। तो आइए चलते हैं अब हमारे अपार्टमेंट की तरफ, एंड हमारा फ्लैट आपको चेकआउट कराती हूँ, आइए। सो गाइस कुछ इस तरीके का एलिवेशन रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का, जो आप देख रहे हैं S+4 का कंसेप्ट है, जो आपको विद लिफ्ट मिलने वाला है। आइए चलते हैं अंदर। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कंप्लीट पार्किंग के लिए स्पेस। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसमें जो पार्किंग में ही आपको एक स्टोर भी मिल जाता है, 8x8 का स्टोर रहने वाला है,
एंड जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं जो आप अपने अपार्टमेंट में नहीं लेके जा सकते, वो आप नीचे रख सकते हैं यहाँ पे। एंड पर फ्लैट के लिए एक पार्किंग स्पेस अलॉट किया जाएगा विद द परचेज। ये आपका कुछ इस तरीके का पार्किंग स्पेस रहने वाला है। एंड देन यहाँ से आ जाती है एंट्री आपके अपार्टमेंट के लिए, आपके टावर के लिए, जहाँ पे अगेन आपको आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक लॉक यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपका जो है वो थंबप्रिंट लगेगा। मतलब सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। इनकेस आपके कोई भी गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे वॉचमैन होंगे, वो ओपन करेंगे आपको पूछने के बाद। अगर आप उनको अलाउ करते हैं तभी वो ऊपर जा सकते हैं, वरना उनके लिए ये गेट ओपन नहीं होगा। देन यहाँ पे सेंटर में आते हैं लिफ्ट। हाइसन की लिफ्ट आपकी रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, एंड जो साइज रहेगा लिफ्ट का वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा स्टेयरकेस आपके फ्लैट में एक्सेस करने के लिए। तो आइए चलते हैं ऊपर। सो कुछ इस तरीके का कॉरिडोर एरिया आपके अपार्टमेंट का रहने वाला है। एक फ्लोर पे दो अपार्टमेंट्स रहेंगे। सेंटर में लिफ्ट आ जाएगा, जैसे मैंने आपको नीचे भी बताया था, स्थाई सम्राट का लिफ्ट रहने वाला है। एंड गाइस इसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि दोनों जो अपार्टमेंट हैं दोनों के डोर्स अलग हैं, आप चूज कर सकते हैं। एक जो डोर आ जाएगा वो इस तरीके का आ जाएगा जिसमें आपके दो दरवाजे रहने वाले हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ वेरी यूनिक डोर जिसमें आपका थोड़ा सा रॉयल लुक आ जाएगा। एंड ये जो आपका डोर रहेगा ये आपका थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल का डोर आ जाएगा जिसमें सिर्फ एक डोर आपका रहने वाला है। तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हैं आपको अपने अपार्टमेंट की एंट्री किस तरीके की दिखानी है, तो इन दोनों में से कोई भी डोर आप चूज कर सकते हैं। एंड दोनों ही जो डोर रहेंगे आपके वो आपके विद बायोमेट्रिक लॉक आ जाएंगे, डिजिटल लॉक आपको मिलने वाला है जिसको आप कार्ड से, की से, फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको ये मिल रही है। तो आइए चलते हैं अंदर। सो एंटर करते ही यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है आपका डाइनिंग एंड ड्रॉइंग सेक्शन, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका किचन। तो सबसे पहले हम किचन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सेक्शन में जाएंगे। आइए। सो ये जो किचन आप देख रहे हैं ये आपका एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बस इसमें आपका रेफ्रिजरेटर नहीं होगा। बाकी चीजें आप जैसे भी देख रहे हैं वो आपकी सारी एज इट इज रहेंगी। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके जो आपको कैबिनेट्स आ जाएंगे वो कुछ इस तरीके के स्पेस के साथ रहने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कुकिंग काउंटर, जो आपके लो कैबिनेट्स आ जाएंगे वो आपके विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ड्यूल सिंक यहाँ पे रहेगा आपका, जो आपका आरओ एंड जो गीजर रहेगा वो भी आपको विद द परचेज प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं जिनमें आप अपने यूटेंसिल्स जो है वो डायरेक्टली वॉश करके यहाँ पे रख सकते हैं। एंड एक और चीज बता देती हूँ, एक्राइलिक बोर्ड की फिटिंग्स आपकी सारी रहने वाली है। यहाँ पे भी ऊपर कैबिनेट देख सकते हैं आप। ये चिमनी आपको एज इट इज मिलेगी जैसे भी आप यहाँ पे परचेज करेंगे, हॉप आपका एज इट इज रहेगा। एंड यहाँ पे भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं नीचे, तो स्टोरेज के लिए भी आपको काफी सारा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। स्टोरेज की आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अगेन यहाँ पे भी आपका कैबिनेट आ जाता है। तो काफी स्पेशियस आपकी किचन रहने वाली है, प्लस आपका जो फॉल सीलिंग है यहाँ पे एंड जो आपका फैन है वो भी आपका सेम एज इट इज रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से बाहर कनेक्टेड आ जाता है आपका यूटिलिटी एरिया। स्पेस देख लीजिए आप, काफी स्पेशियस बैल्कनी है। एंड अपना सिटिंग वगैरह का काम आप यहाँ कर सकते हो, वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड यहाँ पे रहने वाला है आपका गैस का पाइपलाइन, तो आपका जो सिलेंडर होगा वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के थ्रू ही जो आपकी सोसाइटी होगी वहाँ से आपको ये गैस का जो पाइपलाइन का सिस्टम है वो आपके अपार्टमेंट में फिट कर दिया जाएगा। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ना आपका ये रेडियो सिस्टम भी आ जाता है, ब्लूटूथ सिस्टम, जिसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप अपना रेडियो भी ऑन कर सकते हैं, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से जब भी आप खाना बना रहे होंगे, आपको अगर म्यूजिक सुनने का शौक है, एंटरटेनमेंट साथ में आपको चाहिए होता है मेरी तरह, क्योंकि जब मैं भी किचन में काम करती हूँ तो मेरा म्यूजिक चलता रहता है। तो अगर आपको भी उस तरीके का शौक है तो आपको इनबिल्ट यहाँ पे किचन में मिल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसमें अपना रेडियो भी ऑन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा हम साइज की बात कर लेते हैं, किचन का जो साइज रहने वाला है वो आपका 9x8 का रहने वाला है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ठीक आपके किचन के सामने आपका डाइनिंग एरिया, जो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल अपना इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ से आप स्पेस का आइडिया लगा लीजिए। इसी के साथ यहाँ पे आ जाता है आपका पूजा स्पेस,
जो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा है यहाँ पे। आप भी कुछ इस तरीके का बना सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, पूजा स्पेस नहीं बनाना चाहते, आप यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट भी बना सकते हैं आपके डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में। फॉल सेलिंग की बात करेंगे, आपकी डाइनिंग एंड ड्राइंग की कंप्लीट आपकी एज इट इज़ रहने वाली है। जो इसमें आप लाइटिंग्स देख रहे हैं वो भी आपकी सारी एज इट इज़ रहेगी। फ्लोरिंग की बात करेंगे तो आपके पूरे घर में जो टाइल्स रहने वाली हैं वो आपकी सिंपोलो की विट्रीफाइड टाइल्स रहने वाली है। एंड देन यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया। सो ड्राइंग एरिया में आप ये स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है, अच्छे से आप अपना ड्राइंग एरिया जो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, अपना सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका LED फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, एंड यहाँ पे रहेगा आपका विंडो फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। सो ये था हमारा किचन, ड्राइंग एंड डाइनिंग। अब चलेंगे रूम्स की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा आपका उस साइड, एंड दो बेडरूम्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो पहले हम वो वाला चेकआउट करते हैं। सो आप देख सकते हैं जैसे कि आपके फर्स्ट बेडरूम है आपके डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया से बिल्कुल साथ में। तो यहाँ पे ना इन्होंने ये पार्टीशन कर रखा है क्योंकि उस साइड आपका किचन भी आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का आइडियाज़ भी आप ले सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे फ्लैट परचेज करें आप भी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन अपने अपार्टमेंट में बना पाएँ। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम जो आपके गेस्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा एंड आपके डाइनिंग ड्राइंग के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। सेंसर लाइट्स रहेंगी, पूरी जो फिटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं, प्लस आपका जो सीट रहेगा वो भी BDA सिस्टम रहने वाला है। टाइल्स की बात कर लूँगी तो ग्लॉसी लुक के साथ आपकी पूरी वॉल की टाइलिंग आ जाएगी। जो फ्लोरिंग रहेगी आपकी वाइट स्क्रिप्ट रहेगी, वैनिटी आपको विद द परचेज मिलेगी, सिंक आ जाएगा आपका, एंड देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्पेस रहेगा आपके वॉशरूम का फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। आपका यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसके साइज की बात करूँ तो साइज रहेगा आपका 11x10.6, और जिसमें आपका ये जो डोर रहेगा, मतलब आपके सारे जितने भी डोर्स रहेंगे वो आपको 8 feet लॉन्ग मिल जाएंगे। एंड जो आपका चौखाट रहने वाला है ये आपका WPC के साथ रहने वाला, जो आपका रस्ट फ्री रहता है, फायर फ्री रहता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड देन कुछ इस तरीके का स्पेस आपके रूम में रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका बेड है, उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस बच जाता है कि मैं जो अपने कबर्ड हैं उनको इजीली ओपन कर सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपका बालकनी भी अटैच रहेगा, जो मैंने आपको किचन से दिखाया था सेम बालकनी कनेक्टेड है। एंड इस साइड आ जाएगा आपका LED पैनल के लिए स्पेस, कुछ इस तरीके का डिज़ाइनिंग भी आप अपने रूम में करवा सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो डिज़ाइनिंग यूज़ करी गई है वो काफ़ी अच्छी है। ऊपर फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं विद लाइटिंग, ये सारा आपका एज इट इज रहने वाला है। एंड आफ्टर दिस यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज रहेगा आपका 12x12, काफी स्पेशियस रूम है। आपका बेड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसके बाद भी मेरे पास वॉकिंग के लिए काफी स्पेस बच जाता है। इस साइड आपका कंप्लीट LED पैनल के लिए स्पेस आ जाएगा, एंड उस तरफ रहेंगे आपके कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर। लेआउट काफी अच्छा है कबर्ड का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पीछे की वॉल की बात करूंगी तो इसका जो डिजाइनिंग है, पूरे रूम का कलर कॉम्बिनेशन है, वो काफी अच्छा चूज किया गया है, तो आप यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डिजाइन काफी यूनिक एंड काफी ब्यूटीफुल लग रहा है रूम के लिए। एंड देन ऊपर फॉल सीलिंग की बात करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक बिल्कुल डिफरेंट डिजाइनिंग मिल जाती है फॉल सीलिंग में भी, लाइटिंग आपका बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम विद सेंसर लाइट्स, सारे वॉशरूम्स में आपकी जो लाइट्स रहेंगी वो सेंसर लाइट्स रहेंगी। यहाँ पे भी आपको जो सीट मिल जाती है वो विद BDA सिस्टम मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपका बेसिन आ जाता है, वैनिटी, योर मिरर। यहाँ पे जो आपकी टाइल्स रहेंगी, जो आपकी वॉल की टाइल्स रहेंगी वो आपकी विद ग्लॉसी लुक आ जाएंगी। तो एंड जो डिजाइनिंग है टाइल्स की, जो कलर्स हैं टाइल के, वो भी आपको हर वॉशरूम में अलग देखने को मिलेंगे। तो ये काफी अच्छी चीज मुझे लगी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करी गई हैं हर जगह पे। फ्लोरिंग सारी आपकी एंटीसिप्ट रहेगी, फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा। तो ये था हमारा वॉशरूम, एंड यहाँ पे आ जाएगी हमारी बालकनी जो आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है, आपका यूटिलिटी एरिया, वो मैं आपको वहां से दिखाऊंगी। सो ये है हमारा थर्ड बेडरूम।
पहले तो आप इसका स्पेस देख लीजिए। अगेन इसका साइज भी आपका 12x12 रहने वाला है और इसमें भी आपके उस साइड कवर्ड आ जाएंगे विद स्लाइडिंग डोर, काफी अच्छा लेआउट आ जाएगा आपका। यहाँ पे रहेगा हमारा वॉशरूम अगेन विद सेंसर लाइट्स। इसमें जो आपकी टाइल्स हैं वो आपके मैट फिनिश के साथ आ जाएंगी, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइनिंग है, डिफरेंट कलर्स हैं। फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किट रहेगी, सीट, योर कंप्लीट बाथिंग सेक्शन, आपका बेसिन एंड योर वैनिटी, मिरर देख सकते हैं एंड हर एक चीज के लिए प्रोविजन मिल जाएगा, जैसे कि आपका गीजर है, एक टोस्टर आपको लगाना है, सब चीजों के लिए प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। ऊपर लाइटिंग आप प्रॉपर देख सकते हैं एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा। सामने वाली वॉल पे रहने वाला है आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस, जिसमें इन्होंने पूरा वॉलपेपर का यूज कर रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वॉलपेपर यूज किया गया है, यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा डिजाइन है वॉलपेपर का भी एंड काफी अच्छे से सेटअप भी बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये काफी सुंदर लगा मुझे। बीच में आप ये पीस यहाँ पे देख रहे हैं विद मिरर, ये भी काफी ब्यूटीफुल है आपका। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस आपकी बालकनी के लिए। सो ये जो आपकी बालकनी है ये आपकी 6 feet वाइड रहने वाली है, जो आपकी फ्रंट बालकनी थी उससे काफ़ी बड़ी बालकनी आपको ये मिल रही है, जहाँ पे आपके टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड रहेंगे। तो अगर इनकेस आप वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज जो आपकी रेलिंग रहेगी उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी मिल रही है। एंड सामने का जो ये आप फ्लैट देख रहे हैं, सामने आपके फ्लैट आ जाएगा, उन दोनों में आपका जो डिफरेंस रहेगा वो 9 feet का रहने वाला है। एंड ये जो डिफरेंस है, ये जो स्पेस रहेगा ये पूरा ओपन रहेगा ऊपर तक, तो वेंटिलेशन एंड लाइटिंग के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आपके घर में जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। सो ये था हमारा 3rd bedroom। अब इसी के साथ हमारे इस पूरे घर का टूर कम्प्लीट होता है। मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया है, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, इस अपार्टमेंट के बारे में, कोई भी छोटी से छोटी डिटेल आपको चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी। अगर आपको विजिट करना है आपका विजिट प्लान करेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और सुंदर घर ढूंढती हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।